तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि सबके सब बढ़िया होंगे। एंड हम आपके लिए लेके आ चुके हैं कुछ नई बिग अपडेट जो कि यूट्यूब से रिलेटेड है। एंड दिस टाइप ऑफ अपडेट्स आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा कि हम लोग डेली ऐसे ही यूट्यूब से रिलेटेड बिग अपडेट्स लेके आते रहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपनी फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, यहाँ पे फर्स्ट अपडेट निकलकर अल्पेश यादव की तरफ से आ रहे हैं, जिनकी मम्मी का आज जन्मदिन है, जिसके बारे में अल्पेश यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्टोरी लगा के उनको बर्थडे विश भी किया था, जिसमें उनके मम्मी पापा और वो तीनों लोग थे। एंड मैं आपको बता दूं कि 20 अगस्त यानी आज अल्पेश यादव का मीटअप भी है, यानी कि जो अभिनंदन समारोह वो करने वाले थे आज ही के दिन है। जो जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग पहुंच जाएं। एंड ऑल्सो गाइस, अल्पेश यादव ने इंडिया में हाईएस्ट लाइव वॉचिंग का रिकॉर्ड भी कल उन्होंने ब्रेक कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि वो कल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव आए थे एंड उन्होंने 594K तक की वॉचिंग को टच किया था। अभी तक के इंडिया में जो हाईएस्ट वॉचिंग का रिकॉर्ड था वो 550K था और उन्होंने कल ही इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। एंड उसकी कुछ क्लिप्स हमारे पास है, तो आप लोग खुद ही देख लीजिए उसको। तो ओए दोबारा चल पड़ा रे, ओए दोबारा चल पड़ा, 5 लाख ओए रुक जा, 5 लाख होने वाला। अच्छा कुछ नहीं बोलना, तब ज्यादा बढ़ते हैं। इशारा करते रहो, इशारा करते रहो, बोलते रहो, 5-12 आण दो बहुत करीब है, 22 आण दो सिस्टम, आण दो 28 5-41 टूट गया 5-52 6 लाख मेरे को बहुत सारी बातें करनी है आप सभी लोगों से। भाई क्या कह रहे थे, रिकॉर्ड नहीं टूटेगा भाई? तोड़ दिया भाई, मेरी पब्लिक भाई कुछ भी तोड़ सका, तुम दोनों को भी तोड़ेगी किस दिन, देखियो ध्यान रखियो। सो गाइस, नेक्स्ट अपडेट निकल के यहाँ पे UK07 राइडर की तरफ से आ रही है, जिन्होंने अपने रिसेंट ब्लॉग में पब्लिक को ये कहते हुए मना किया कि कोई भी उनके घर पे उनके ना होने पर ना जाए, उनकी फैमिली को एंड उनको बहुत ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है, जिसके बारे में उन्होंने बताया अपने रिसेंट ब्लॉग में। हमारे पास उसकी वीडियो क्लिप है, आप खुद ही देख लीजिए उन्होंने क्या बोला। एंड एक और चीज गाइस, आज सुप्रा घर पे पार्क थी, इतने सारे लोग वापस से घर आ गए। मैं कितनी बारी बोल चुका हूँ आप लोगों को, प्लीज गाइस घर मत आओ। मतलब अगर आप मेरे ब्लॉग्स फॉलो करते हो आपको पता है कि भाई सुप्रा घर पर है। चीज समझो गाइस, मेरी प्राइवेट लाइफ भी तो है और मैं घर पे हूँ, तो एक पॉइंट के लिए समझ में आता भी है। मैं घर पे नहीं हूँ, मम्मा घर पे रहती है यार। आप समझ रहे हो कि अगर मेरे को थोड़ा सा भी भाई मानते होंगे ना, तो लाइक मेरी मम्मी इज लाइक योर मम्मी यार। बहुत घर वालों को ना दिक्कत होती है एंड उनकी प्राइवेट लाइफ खराब होती है। मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ, मैं तो मिल लूंगा सब लोगों से भाई। हम लोग हर जगह गाड़ी हाईवे पे रोक करके मिलते हैं, बट घर वाले आर जस्ट अ पार्ट ऑफ व्लॉग्स। सो हम्बल रिक्वेस्ट, घर पे मत आओ यार। एंड नाउ गाइस, आप सबसे पहले तो जाके प्लीज आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना, क्योंकि हम लोग डेली यूट्यूब से रिलेटेड जितनी भी बिग अपडेट्स होती है सबसे पहले अपने चैनल पे लाते रहते हैं। तो आप लोग जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक जल्दी से कर दो। एंड हम लोग अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे ट्रिगर्ड इंसान की तरफ से, जिन्होंने अपनी रिसेंट वीडियो में वो और फुकरा इंसान दोनों लोग थे और उन्होंने अपनी इस वीडियो में बताया कि पुनीत सुपरस्टार को रियल में क्यों बिग बॉस से निकाला गया। तो उन्होंने फुकरा इंसान ने क्या कुछ बोला, आप लोग को मैं वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। तो ये रही उसकी वीडियो क्लिप। टॉयलेट वाला सीन हुआ था मेन, जहाँ पर बिग बॉस ने पुनीत को निकाला, तो वो हुआ क्या था एग्जैक्टली नहीं बताया। सुपरस्टार ने क्या करा, इंग्लिश जो सीट लगी हुई थी वहां पर, उस पे हिंदी पोजीशन में पॉटी करने बैठ गया और पूरा सीट, टॉयलेट सीट कमोड पे ऐसे पिकासो वाली पेंटिंग। हाय हाय, ऊपर नीचे दाएं बाएं पोटी गिर रखी। और जब अंदर वो घुसा अविनाश, तो उसने देखा ये टट्टी किसने की है, हमने कहा पुनीत, इसलिए तो वो सारा कलेश हुआ था। और फिर पूजा जी ने एकदम से उठ के बोल दिया कि आई फील अनसेफ विद हिम। और भाई पूजा जी ने अगर बोल दिया है फिर तो खत्म। अरे यार पूजा जी बिग बॉस से ऊपर थी, क्या बात कर रहा है तू? बिग बॉस पूजा जी की सुनता था, पूजा जी चाहती है बिग बॉस आज ये करे। पूजा जी ने तो ट्रॉफी मैनिपुलेट करना, इंग्लिश टॉयलेट पे हिंदी में बैठा हुआ भाई। पुनीत नेक्स्ट लेवल बंदा भाई, मैंने अपने आप को भी देखा, मैं जब भी पुनीत कुछ सामान उठाता मैं करते क्रेजी। एंड ऑल्सो गाइस, फुकरा इंसान ने यहाँ पे बिग बॉस के अंदर कैसे रहना होता है, उसकी क्या सच्चाई है, इसकी इस चीज को पब्लिक को क्लियर करते हुए बताया। उन्होंने क्या बताया उसकी वीडियो क्लिप भी है, ये देखिए। चीज बोलना चाहूंगा सबको, बिग बॉस एक्चुअली स्क्विड गेम्स इन रियल लाइफ है, एक रुपए का स्क्रिप्टेड नहीं है। हमने 60 दिन किसी को
को नहीं देखा, किसी को मतलब समझ लो किसी को नहीं देखा, ब्लाइंड्स नीचे आती थी, ब्लाइंड्स छूना अलाउड नहीं था। और जिन जिन यूट्यूबर्स को ये लगता है कि ये आसान है, देखो मैं 60 दिन हो गया हूं, मेरे से पूछो, ये आसान नहीं है, 15-20 दिन बाद ऐसा लगता है कि जीतो हारो कुछ हो मेरे को रहना ही नहीं है यहाँ पर, और तुम्हें 8-8 घंटे बैठना पड़ता है बिना सोए हुए, बिना फोन के, कुछ नहीं, एक घर के अंदर। तो जिस टाइम पे टास्क सो ही नहीं रहा होता, इट इज जेन्युइन, मतलब वो कहते हैं ना मेंटली बहुत बहुत बड़ा टॉर्चर है। जो भी कोई भी हमारा भाई बंधु कभी जाने की सोचे तो 200 बार जरूर सोचता है कि बिग बॉस में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ठीक है बाद में फॉलोअर्स वॉलोअर्स बहुत बढ़ते हैं, पर इट्स नॉट इजी, वो 2 महीने तुम्हारे लिए मेंटल टॉर्चर है, फैमिली के लिए अलग है, फैमिली के लिए अलग है। एंड गाइस नेक्स्ट अपडेट भी यहाँ पे एलबीसी यादव की तरफ से, जिसमें वो अपने रिसेंट ब्लॉग में साहिल खान से मिलने गए थे, जिसमें साहिल खान भी उनको उनको बिग बॉस जीतने की खुशी में विश करते हैं। एंड कटारिया एंड उनके जितने भी दोस्त थे वो सारे उनसे मिलने गए थे, और क्या कुछ हुआ वहाँ पे उसकी वीडियो क्लिप हमारे पास है, तो चलिए देखते हैं ये रेस की वीडियो क्लिप। डन है एकदम, लाओ भाई आप भी जाओ, वायर की भी खींच दे आप फोटो, आप ले लो, आप आ लो ना भाई साहब, ले भाई सिस्टम इसको ले लो, हीरो है दादा, पूरा स्टाफ आ गया भाई, ले भाई सिस्टम चलो भाई सी सो गाइस अब आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाके यार पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा प्यारा कमेंट कर देना यार, एंड प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को अभी जाके यार लाइक पहले कर दो। तो हम लोग अभी चलते हैं, हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देम बी सेफ, बाय बाय।